प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं। ओपीएस का जिक्र आज भी करेंगे क्योंकि देखिए चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था और आज यहां सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पहुंची हुई थी। फिलहाल इन्होंने यहां पर ओपीएस को लेकर स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। केंद्र और कांग्रेस शासित राज्यों के बीच जिस तरह की कंफ्यूजन अभी ओपीएस बहाली को लेकर चल रही थी उस पर इन्होंने करारा जवाब दिया है। एनपीएस फंड का क्या होगा, किस तरह से लौटाया जाएगा, किस तरह की शर्त के लिए रखी गई है, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हम बात करना चाहेंगे मतदान को लेकर भी क्योंकि 12 नवंबर को होना है। चुनावी प्रचार आज शाम के 5 बजे से यहां थम चुका है। अब किस तरह की स्थिति अगले कल यहां पर बनी रहेगी क्योंकि परसों तो देखिए यहां पर मतदान होने वाला है और पोलिंग स्टेशन यानी कि पोलिंग बूथों की अगर बात करें तो इसके लिए अभी तक कितने तैयार है ये भी हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि मौसम एक बड़ी बाधा अभी मतदान में बन सकती है। लाहौल स्पीति और जिला चंबा के कुछ एक क्षेत्रों में आज फिर बर्फबारी दर्ज की गई है। 20 से ज्यादा सड़कें इन दोनों जिलों में ही अभी बंद हैं और बिना किसी मतलब से यात्रा ना करें इस तरह की एडवाइजरी भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से इन क्षेत्रों में जारी कर दी गई है क्योंकि कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। रोड्स काफी ज्यादा स्लिपरी हो गए हैं, वाहन वहां पर नहीं चल पा रहे हैं। यही एक कारण है कि 20 सड़कें पूरी तरह से अभी बंद है, वहां पर आवाजाही करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसी तरह से अभी अगले कल के लिए भी यहां पर प्रेडिक्शन की गई है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। चलिए ये तो ऊपरी क्षेत्रों की हम जानकारी दे रहे हैं जहां पर बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में भी कुछ एक इलाकों में काफी तेज बारिश हुई है। राजधानी शिमला की बात करें तो आज यहां धुंध छाई हुई थी, एक तरह से अंधेरा यहां पर दिन में ही छा गया था। स्थिति अभी ऐसी है और मौसम कितना साथ यहां पर देता है इलेक्शंस के दौरान बिल्कुल ये देखने वाली बात रहेगी। अगली बात करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जुड़ी क्योंकि यूजीसी की ओर से नए निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। हालांकि हर यूनिवर्सिटी के लिए ये निर्देश जारी हुए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि नए कदम यहां उठाए जा रहे हैं शिक्षा में ताकि सुधार हो सके। फिलहाल ऐसा ही एक और बड़ा फैसला लिया गया था, कुछ दिन पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि प्रैक्टिस फॉर प्रोफेसर के पद यहां भरे जाएंगे। कुल जितने पद भरे जाने हैं शिक्षकों के उसमें से 10% पद इसी पीओपी के तहत यहां पर भरे जाएंगे यानी कि प्रैक्टिस फॉर प्रोफेसर्स के तहत भरे जाने हैं। और मौका इसमें ऐसे शिक्षकों को मिल रहा है जिन्होंने फिलहाल यहां पर नेट भी क्लियर नहीं किया होगा और पीएचडी भी जो क्वालिफाइड नहीं होंगे उन्हें यह मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनके पास यहां पर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि किसी भी कोर्स में ये प्रोफेशनल होने चाहिए यानी कि एक तरह से एक्सपर्ट होने चाहिए ताकि छात्रों में ये तरह तरह के स्किल्स डेवलप कर सके। फिर चाहे हम आईटी सेक्टर की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें तो यहां पर इस बात पर इस बार ये गौर किया गया है कि जो छात्र हैं उनमें इस तरह के स्किल्स डेवलप करना काफी ज्यादा जरूरी है एकेडमिक स्टडी के साथ, इसलिए मौका इस तरह के शिक्षकों को यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन एक बात का इसमें और ध्यान रखा जाएगा कि जो नियमित नियुक्तियां होंगी वो किसी तरह से यहां प्रभावित नहीं होनी चाहिए यानी कि उन पर कोई असर यहां पर नहीं होना चाहिए। स्वीकृत शैक्षणिक पदों को इससे बिल्कुल अलग रखा जाएगा। लेकिन अब यहां पर यह नया फैसला भी जल्दी ही लागू होने वाला है, इस तरह की भर्ती यहां होगी। ये जो आवेदन करेंगे प्रैक्टिस फॉर प्रोफेसर के तहत जो पद भरे जाएंगे जो भी इसमें उम्मीदवार होंगे इन्हें एक बात का और ध्यान रखना होगा कि इनका जो पेशा है पहले किसी भी शिक्षण संस्थान से जुड़ा नहीं होना चाहिए और इसके अतिरिक्त इसी पेशे से ये सेवानिवृत्त नहीं होने चाहिए तो ही इन्हें यहां पर मौका मिलेगा छात्रों को पढ़ाने का। अगली बात करना चाहेंगे जेबीटी प्रशिक्षकों से जुड़ी क्योंकि काफी ज्यादा ये परेशान चल रहे हैं। हाल ही में इनसे जुड़ी भी एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से क्योंकि बड़ा फैसला यहां पर लिया गया था कि अब यहां पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बीएड भी पात्र होंगे। 2018 का जो फैसला था उसे यहां पर लागू किया जा रहा है। 2018 की नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए शिक्षा बोर्ड की ओर से ये फैसला जरूर ले लिया गया है लेकिन इस वक्त डीएलएड प्रशिक्षकों की ओर से काफी ज्यादा विरोध इसे लेकर यहां जताया जा रहा है। डाइट केंद्रों में इन्होंने कक्षाएं छोड़ विरोध करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों के लिए चेतावनी ये दी है कि कोर्ट का रुख ये करेंगे अगर जल्दी ही शिक्षा बोर्ड इस फैसले को वापस नहीं लेता है। इनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ हो रहा है। जेबीटी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की ओर से चेतावनी ये दी गई है कि 45,000 के करीब जेबीटी प्रशिक्षकों के साथ ये नहीं होने
दिया जाएगा, ये बड़ा आंदोलन भी करेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और दूसरा फैक्ट इन्होंने यहां पर यह भी गिनवाया है कि अभी राजस्थान के हाईकोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि हिमाचल प्रदेश में भी ये केस रिव्यू के लिए लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी यहां इंतजार हो रहा था। तो उसी बीच यहां पर क्यों शिक्षा बोर्ड ने फिर इस तरह का फैसला ले लिया है जो कि जेबीटी प्रशिक्षुओं के बिल्कुल भी हित में नहीं है। लेकिन यहां पर शिक्षा बोर्ड की ओर से ये हवाला दिया जा रहा है कि 2018 की नोटिफिकेशन पर यहां अमल किया गया है ताकि आने वाले समय में फिर से कोई ऐसी समस्या उत्पन्न ना हो और बीएड प्रशिक्षुओं को भी इसमें मौका मिल सके। लेकिन यहां पर काफी ज्यादा परेशान ये डीएलएड के प्रशिक्षु अभी नजर आ रहे हैं। दूसरी बात इनकी ओर से ये भी कही गई है कि हाल ही में अभी जो जेबीटी की भर्ती हुई थी, शिक्षा विभाग की ओर से कुछ एक फर्जी एंट्रियां उसमें हुई है, यानी कि फर्जी लोगों को मौका दिया गया है जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या डॉक्यूमेंट्स थे भी तो वो फर्जी थे, उस पर भी पूरी तरह से यहां छानबीन होनी चाहिए, नहीं तो इसे लेकर भी अलग से इनकी ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। स्थिति अभी कुछ ऐसी ही बनी हुई है और लगातार हम देख रहे हैं कि जेबीटी प्रशिक्षु यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं, इनके संगठन की ओर से एक के बाद एक चेतावनियां यहां पर सामने आ रही है। अभी फिलहाल यहां पर पूरी तरह से इनका केस सुलझा भी नहीं था कि उसी बीच एक और ये जानकारी सामने आ गई कि शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया है और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहां पर अब बीएड को भी पात्र मान लिया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह की ओर से भी आज एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इनका ये कहना है कि अब मतदान होगा 12 नवंबर को और इन्होंने चुनाव आयोग से ये अपील की है कि भाजपा यहां पर धनबल का इस्तेमाल करने वाली है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, लोगों को धमकाने का भी प्रयास कर रही है, तो भाजपा पर पूरी तरह से नजर रखी जाए, ईवीएम की सुरक्षा यहां बढ़ा दी जाए, क्योंकि भाजपा अच्छी तरह से जान गई है कि कांग्रेस ही जीत हासिल करने वाली है, इसलिए यहां पर बहुत से गड़बड़ी के मामले सामने आ सकते हैं ईवीएम से संबंधित भी, और इसके अतिरिक्त धनबल का भी भाजपा प्रयोग कर सकती है जो कि नियमों से परे है। तो ऐसे में इनकी ओर से यह अपील हुई है। दूसरी अपील इन्होंने प्रदेशवासियों से की है कि लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि ये लोगों का अधिकार है और एक नई दिशा फिर वो तय कर सकते हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाकर अगर वो अपने मत का इस्तेमाल यहां पर करते हैं। अगली बात करना चाहेंगे प्रियंका गांधी के रोड शो से जुड़ी, क्योंकि आज ये देखिए यूं तो सिरमौर के सतौन में थी और सतौन से फिर इन्होंने शिमला आना था रोड शो करने के लिए, लेकिन यहां मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है कांग्रेस की ओर से। ये कहा जा रहा है कि मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था जिसकी वजह से इनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया और इस वजह से ये शिमला मार रोड पर रोड शो नहीं कर पाई, लेकिन इनके बदले फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ही यहां पर रोड शो किया और जो भी यहां पर बाजार के आसपास की दुकानें थी, मकान थी, वहां पर घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में। अब बात करना चाहेंगे ओपीएस से जुड़ी, क्योंकि आज ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण यहां पर आई हुई थी और देखिए ये चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था, आखिरी दिन में ये सब कुछ एक तरह से स्पष्ट करके यहां चली गई है। एक तरह की कंफ्यूजन अभी यहां चल रही है केंद्र और कांग्रेस शासित राज्यों में ओपीएस को लेकर, क्योंकि हिमाचल वासियों का ये कहना है जो कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं उनका ये मानना है कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से ओपीएस को लागू कर दिया गया है और एनपीएस फंड लौटाने को लेकर भी यहां पर इन्होंने शर्त पूरी तरह से बता दी है। दरअसल इनका ये कहना था कि एक लीगल व्यवस्था के तहत एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है और ये जो एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ये महज यहां पर उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसके नाम पर ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है। एक बात इन्होंने ये स्पष्ट कर दी। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एनपीएस को इंट्रोड्यूस किया था वही पार्टी ओपीएस को बहाल करने की बात कर रही है, तो यहां पर सवाल अपने आप ही उठ जाता है और लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि कितनी ही यहां पर ओपीएस को बहाल किया जा सकता है, कितनी क्षमता के साथ ही कांग्रेस यहां पर ओपीएस को बहाल कर सकती है। अब तीसरी बात इन्होंने राजस्थान को लेकर कही है, क्योंकि दावा कांग्रेस की ओर से ये हो रहा है कि राजस्थान में जब ओपीएस बहाल हो सकती है, छत्तीसगढ़ में हो सकती है, तो यहां क्यों नहीं हो सकती, तो निर्मला सीतारमण ने इस पर ये जवाब दिया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दावा ये किया था कि 3 लाख कर्मचारियों के लिए वहां पर ओपीएस को बहाल किया जाएगा, लेकिन महज अभी तक 328 को ही ओपीएस वहां पर दी गई है, बाकी का आंकड़ा शेष रह रहा है। तो इस बात पर भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को गौर फरमाना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक बात और अंत में कही कि एनपीएस स्कीम केंद्र और
राज्य के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत चल रही है। तो फिलहाल यहां से पूरी स्थिति अब स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि लगातार यहां पर ये जो एनपीएस के तहत कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा था इसे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि वापस लौटेगा नहीं लौटेगा। तो इस पर इन्होंने ये एक तरह से कंफ्यूजन क्लियर करते हुए ये कहा है कि उसी कर्मचारी को ये मिलेगा जिसके नाम पर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हो रहा है। अब अगली बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की करना चाहेंगे, क्योंकि प्रेस वार्ता तो आज इन्होंने भी बुलाई थी, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और बड़ी बात ये भी कह गए हैं। इनका ये कहना था कि वर्तमान सरकार ने तो फिर भी कमेटी का गठन किया है और कोई ना कोई रास्ता यहां तलाशा जा रहा है कि किस तरह से ओपीएस को बहाल किया जा सकता है कर्मचारियों के लिए, किस तरह से इसके लिए बजट लाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ही ओर जो कांग्रेस है नैतिक आधार पर यहां बात नहीं कर रही है, उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है ये बात करने का। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 2012 में भी वो ओपीएस को बहाल कर सकते थे अगर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की और अब वर्तमान सरकार के समय में वो इसे एक बड़ा मसला बना रहे हैं, जीत हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं, इसीलिए इस तरह के तर्क उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। ये बात वो भी जानते हैं कि बिना केंद्र सरकार की मदद के ये संभव नहीं है, फिर से उन्हीं शब्दों को यहां पर आज ये दोहरा गए हैं। और तीसरी बात इन्होंने ये राजस्थान सरकार पर कही है, इनका ये कहना था कि एक ओर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ओपीएस बहाल करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही ओर केंद्र सरकार से मदद भी मांग रहे हैं और तीसरी ही ओर उन्होंने रिटायर्ड कर्मचारियों को लेकर यहां नए आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिन्होंने एनपीएस फंड निकाला है उन्हें ओल्ड पेंशन की लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। तो पहले इन सभी सवालों का वो जवाब दे, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाली की बात करें। तो लगातार देखा जा सकता है कि ओपीएस आज भी एक बड़ा मसला रहा है, विधानसभा चुनावों के दौरान सबसे बड़ा मसला यही देखा गया है, लेकिन आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन था, सबसे ज्यादा जिक्र आज भी कहीं ना कहीं ओपीएस बहाली को लेकर ही हुआ है और भाजपा ने इस पर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए है। लेकिन अब दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का क्या कहना था भी आपको जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने सबसे पहले बात यह कही कि जो वादे भाजपा ने 2017 में किए थे वही 2022 में भी कर रही है, यानी कि कोई भी विकासात्मक कार्य ये नहीं करवा पाए, कोई भी अपना वायदा पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए अब सेम वायदे लेके एक बारी फिर से आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लेकर इन्होंने एक और तंज कसा है। इनका ये कहना था कि भाजपा भली भांति जान गई है कि यहां पर कांग्रेस ही विजय हासिल करने वाली है, इसीलिए तो प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि अगर प्रदेश में भाजपा नहीं आई तो फिर केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग यहां पर नहीं मिलेगा, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर है और यहां पर कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है। तीसरी बात ये डबल इंजन वाली सरकार को लेकर कह गए हैं, क्योंकि बार बार एक जिक्र यहां पर होता है कि डबल इंजन का मॉडल होगा अगर यहां पर एक बारी फिर से भाजपा रिपीट कर जाती है। तो शुक्ला का ये कहना था कि 70,000 करोड़ का ऋण फिर कैसे बना हिमाचल प्रदेश पर अगर डबल इंजन की सरकार अपना फायदा दे रही थी, नहीं दे रही थी, इसीलिए आज हिमाचल वासी कर्ज में पूरी तरह से डूब चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की आज बड़ी रैली थी और ये सिरमौर जिले में थी, सतौन में इन्होंने फिलहाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इनका ये कहना था, क्योंकि इन्होंने अपनी दादी को भी इस दौरान याद किया इंदिरा गांधी को, इनका ये मानना था कि पहले की राजनीति में और अब की राजनीति में काफी ज्यादा फर्क है। उस वक्त हर आंदोलन सत्य पर आधारित होता था, अहिंसा पर आधारित होता था, लेकिन अब तो झूठ का बोलबाला है। हमेशा से कांग्रेस ने स्थिरता लानी चाहिए है, लेकिन भाजपा ही अस्थिरता लेकर आई है, इन्होंने ही बार बार यहां सरकार बदलने का रिवाज बनाया है। और तीन बड़े वादे एक बार फिर से ये करके गई है कि महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे पेंशन के तौर पर, जो कि 18 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र होगी। दूसरी बात ये ओपीएस बहाली को लेकर कह गई है कि जब कांग्रेस ने वादा किया है तो जरूर यहां पर ओपीएस बहाल होकर रहेगी, ये राजीव शुक्ला ने भी कहा था। और तीसरी बात ये कह के गई है बिजली को लेकर कि यहां पर मुफ्त बिजली दी जाएगी, और रोजगार को लेकर भी बड़ी बात कह गई है कि पहली कैबिनेट के बाद ही 1,00,000 पदों पर यहां भर्तियां होने वाली हैं, जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें रोजगार का अवसर यहां प्रदान किया जाएगा। वही पोलिंग स्टेशंस को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, तो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था। जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार अब थम गया है, शाम 5 बजे के बाद यहां ड्राई डे घोषित हो चुका है अगले 48 घंटे तक, और अगले कल डोर टू डोर प्रचार ही अब यहां हो पाएगा। इसमें प्रत्याशी अपने साथ 5 ही व्यक्तियों को ले जा सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी यहां करना होगा, इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से, तो इनका ध्यान रखना होगा। पोलिंग पार्टियों की बात करें तो कुछ एक रवाना हो चुकी है जो कि दुर्गम क्षेत्रों में जाने वाली थी, तो कुछ एक कल अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगी।
परसों सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, शाम 5 बजे तक चलेगी और परसों सुबह ही ईवीएम की मशीन पोलिंग बूथ पर इंस्टॉल की जाएंगी। फिलहाल इस बार 412 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान पर और ऑल ओवर अगर पोलिंग स्टेशन की बात करें हिमाचल प्रदेश में तो 7881 इनकी संख्या है। वहीं 12 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश भी यहां घोषित कर दिया गया है। जितने भी विभाग हैं, बोर्ड्स हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं या औद्योगिक प्रतिष्ठानों की हम बात करें तो फिलहाल वहां पर भी अवकाश घोषित हो चुका है। और इसके अतिरिक्त अगर हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की बात करें तो वैतनिक अवकाश इनके लिए रहने वाला है ताकि सभी अपने मत का इस्तेमाल कर सके, इसलिए यहां पर सार्वजनिक तौर पर अवकाश घोषित किया जाता है। वहीं बिना वोटर कार्ड भी मतदान हो सकेगा इस बार, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि मतदाता सूची में आपका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर पंजीकृत होगा नाम तो जरूरी नहीं है कि आपको वोटर कार्ड ले जाना होगा। और इसके अतिरिक्त 12 और प्रमाण पत्रों के लिए यहां मान्यता दे दी गई है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो इन 12 पहचान पत्रों के जरिए भी आप अपनी वोट डाल सकते हैं। इसमें एक तो मनरेगा कार्ड भी है और इसके अतिरिक्त जो बाकी हमारे पहचान पत्र रहते हैं उसके आधार पर भी आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन वही एक कंडीशन यहां पर चुनाव आयोग की ओर से रखी गई है कि ये जरूरी है मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, यानी कि पंजीकृत आप होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये अधिकार मिल पाएगा। अगली बात करना चाहेंगे कॉलेज कैडर की स्क्रीनिंग परीक्षा से जुड़ी, क्योंकि शेड्यूल इसका यहां पर लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हो चुका है और अधिसूचना भी लोक सेवा आयोग की ओर से हो चुकी है। अभ्यर्थी इसकी जानकारी वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की परीक्षा 19 नवंबर को होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की परीक्षा 20 नवंबर को होगी, साइकोलॉजी की परीक्षा 22 नवंबर को होगी, फिलोसफी की 23 नवंबर को, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की परीक्षा 24 नवंबर को होने वाली है और इसके अतिरिक्त पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परीक्षा 25 नवंबर को होगी और 26 नवंबर को म्यूजिक पोल की परीक्षा होने वाली है। तो फिलहाल शेड्यूल कुछ इस तरह से यहां पर जारी हुआ है, ये भी एक अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे। बाकी की जानकारी वेबसाइट से आप बिल्कुल देख सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ।